हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज है सैटरडे, सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो आज सुबह सुबह अच्छा धूप भी आया है। कभी कभी सुबह 6:30 बजे से ही अच्छी धूप निकल जाती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बारिश जैसा वेदर रहता है, और बारिश होती भी नहीं है और ऐसे ही पूरा मौसम थोड़ा सा मानसून जैसा ही पूरा दिन रहता है। सो मैं कबीर को स्कूल बस तक छोड़कर आने के बाद फिर मैंने जो आज घर का काम था तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। तो पहले मैं झाड़ू और फिर पोछा वो सब करना है वो कर लेती हूँ। किचन, जब कबीर को स्कूल जाने का थोड़ा सा टाइम रहता है ना, उसी टाइम पर मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ किचन डो, फिर बर्तन वगैरह, तो वो तो कोई झंझट है नहीं। और आज इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है घर की थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए। और जो मैं कपड़े लेकर आई थी मेरे लिए, उसमें एक सलवार सूट है, उसका फिटिंग मुझे आ नहीं रहा है, थोड़ा सा बड़ी साइज़ आ गया है, तो मुझे उसे एक्सचेंज करने जाना है। तो सुबह सुबह ही सारा काम निपटा कर आ जाती हूँ। जयस होते हैं ना, उस टाइम पर सुबह स्कूटर में गए और स्कूटर में आ गए, और वैसे भी आज उसे शायद छुट्टी है तो इसीलिए वो घर पर ही है। બહુ મોટી લઈ આવ્યો, એટલી હલાવા હે તારાથી। અમે તારથી હલાવી છે જય સાનાથી ધીરે, એક તો ગોઠણ ખુલ્લા છે જો કેટલી મોટી છે, પપ્પાનો સાઈઝ નહીં। યા તું ધ્યાન રાખજે પપ્પાની સાઈઝ વાળા। सो आज सैटरडे को ही कबीर ने बोला और आ गया, मतलब कि मैंने सुबह बोला जयस को कि कबीर को साइकिल ले दो ना, वरना क्या वो अकेला इवनिंग को ऐसे ही बेचारा बोर होता है। साइकिल होगी तो एक दो चक्कर लगाएगा तो उसका भी टाइम स्पेंड होगा थोड़ा सा। तो हम लोग जो मैंने कल या परसों व्लॉग डाला था उसमें आप लोगों को मैंने दिखाया था ना, माँ बेटे ऐसे बैठे थे इवनिंग को, तो बस यही डिस्कस कर रहे थे कि मम्मी मुझे साइकिल लेकर दो। तो बर्थडे पर लेकर ही देना था, लेकिन क्या हुआ था, जयेश की दादी जी की डेथ हो गई थी ना, तो फिर वो सब नहीं कुछ किया हम लोगों ने। सो आज सुबह ही कबीर स्कूल से आया ना 12 बजे, तो कबीर को बोला उसने पापा ने कि चल लेकर आते हैं साइकिल। देखो जयेश, कबीर ने बोला और जयेश लेकर आ गए। हाँ चला जाओ अंदर। हेलो एवरीवन, तो आज सैटरडे है तो जयेश को तो छुट्टी है लेकिन मुझे छुट्टी नहीं है। हस्बैंड को छुट्टी मिलती है लेकिन वाइफ को नहीं, हाउस वाइफ को। तो चलो आज सैटरडे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज कबीर साइकिल लेकर आया है ना, तो साइकिल चला रहा है और अभी जा रहे हैं जयेश साइकिलिंग करने के लिए, अच्छा हेल्थ के लिए। मैं भी बोल रही हूँ कि सुबह उठकर वॉक करो, पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं ऑफिस में। तो पूरा दिन ऐसे ही ऑफिस में बैठे रहते हैं, इससे अच्छा है थोड़ा सा साइकिलिंग करने जाओ। जाओ और कभी कब बुलाओ। और जयेश जब घर पर रहते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा रहता है कि हाँ अकेला नहीं लग रहा है। वैसे मैं और कबीर इवनिंग को फिर अकेले रहते हैं तो वो तो बाहर खेलने चला जाता है, फिर मैं ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ काम निकाल कर बैठ जाती हूँ, और कुछ ना मिले तो फिर बुक्स रीडिंग करती हूँ। तो जयेश मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स किताबें लेकर आए हैं पढ़ने के लिए, तो वो करती हूँ। और जयेश घर पर रहते हैं ना तो हाँ ऐसा माहौल एकदम थोड़ा सा अच्छा रहता है तो मज़ा आता है। तो सैटरडे को उसका थोड़ा सा था काम तो वो निपटा कर फिर आज पूरा दिन वो घर पर ही थे, तो फिलहाल अभी वो जा रहे हैं साइकिल करने। तो जयेश ने भी इसीलिए थोड़ा सा बड़ी वाली साइकिल लिया है कि वो भी साइकिलिंग कर सके, और कबीर अब भी 2 महीने में उसकी हाइट बढ़ जाएगी तो उसके हिसाब से भी वो साइकिल सही है। तो चलो मैं अभी कबीर के लिए बना कर देती हूँ उसका फेवरेट वाला डिनर, क्योंकि वो बाहर खेल कर आया है तो उसे जल्दी ही खाना चाहिए, उसके बाद ही वो कुछ
वरना वो मानेगा नहीं, क्योंकि मैं इसीलिए रात का जो भी खाना बनाती हूँ ना वो जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि वो बाहर से खेल कर आएगा या फिर कुछ भी होगा तो उसे खाना जल्दी ही चाहिए। और आज सैटरडे संडे को दो दिन में मैंने जो भी कबीर के शूज़ वगैरह होते हैं ना तो उसे वॉश करके रख देती हूँ। तो आज सैटरडे मैंने दोपहर को ही कबीर के सारे शूज़, स्कूल के फिर स्कूल बैग सब उसका जो भी था ना स्कूल यूनिफॉर्म वो सब आज मैंने उस वॉश करके रख दिया है, तो कल तक अच्छे से सूख जाएंगे। तो उसके तीन चार जोड़ी शूज़ है, दो दो मैंने स्पोर्ट्स और स्कूल का दोनों जोड़ी दो दो लिया है, ताकि एक अगर थोड़ा सा मतलब भीगा हुआ हो या फिर मेला हो तो दूसरा एक्स्ट्रा होना जोड़ी तो चलेगा कोई नहीं। वैसे कबीर को ऐसे कभी भी ऐसा नहीं होता स्कूल में कि विदाउट शूज वगैरह। आज रात के खाने के लिए मैंने बनाया है भाजी और ब्रेड, में लेकर आई हूँ सुबह, तो पाव तो नहीं पसंद, हमें ब्रेड के साथ ही खाना पसंद है। तो आज परफेक्ट वाला भाजी बना है, देखो कोई भी एक भी सब्जी, सब्जियां कम थी जैसे कि, बट जितनी भी थे एकदम अच्छे से गल गई है सब्जी सारी। सो अभी इसमें बटर ऐड करना है, लेकिन गर्म गर्म सर्व करूँगी उसी टाइम पर बटर ऐड कर दूँगी। कलर एकदम अच्छा आया है, जैसे होटल की भाजी होती है ना उस तरह की। सो अभी मुझे इसमें मैं टेस्ट कर लेती हूँ, उस अकॉर्डिंग मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी, बिकॉज सॉल्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो भाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। सो हो गया परफेक्ट। सो ये रही मैं, आज मैंने जल्दी अभी सब बज रही है 7, तो आज मैं जल्दी मैंने डिनर बना लिया। अभी मुझे सिर्फ रात को ब्रेड बटर के साथ सेक कर सर्व करना है। तो बस आज भाजी, मुझे लगा कि मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, एक इंस्टाग्राम में भी रील डालूंगी, तो चलो ना भाजी का ही मैं सो आज अच्छी भाजी का रेसिपी के साथ ही एक वीडियो शूट करती हूँ। तो बस अगर कुछ वीडियो शूट करने का मन करता ना उस हिसाब से मैं कोई भी बनाना हो ना, जितना भी मैं थकी भी हो ना तो भी मैं बना लेती हूँ मतलब कि बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना रहता है ना इस वजह से। तो हो गया मेरा भाजी रेडी, और आज मैंने देखो एकदम डार्क मरून बिंदी लगाई है मैंने। अभी इवनिंग को भी इतना ज़्यादा काम हो गया ना भगवान, में बहुत ज़्यादा थक गए। अभी फिलहाल कपड़ों का मशीन लगाया था ना, तो अभी कपड़े सुखाने जाना है, फिर मैं जाकर रूम में एसी लगाकर वीडियो एडिट करूंगी। के लिए मैंने लिया था ब्राउन ब्रेड, तो उसे भूख लगी है तो उसे मैं दे देती हूँ, फिर मैं जाती हूँ ऊपर दिया बाती लगाने। और देखो मुझे ब्राउन ब्रेड पसंद है, मैं पहली बार अहमदाबाद में हम लोग रहते थे ना उस टाइम पर, मुझे गलती से उस दुकान वाले ने ब्राउन ब्रेड दे दिया था, ठीक है। तो मुझे लगा ये खराब है, सड़ा हुआ है शायद, मैंने कभी नहीं देखी थी ब्राउन ब्रेड। तो फिर मैं वहाँ पर चेंज करने गई कि भैया आप लोगों ने खराब दे दिया, तो उसने मुझे बोला नहीं बहन जी ये ब्राउन ब्रेड है, ये खाने में हेल्दी होता है। तब जाकर मुझे पता चला था ला तुझे डिश दे दे, और ये कबीर को दे देती हूँ खाना झटपट वाला। कबीर वो ले रहा चम्मच, कबीर वो चम्मच लेना बेटा, ये भाजी निकालने के लिए रुक। कभी स्पाइसी हो तो ध्यान रखा खाने में बेटा, स्पाइसी है थोड़ा सा तो होगा ना बिकॉज भाजी है। ले जा ये ले तेरा। हेलो एवरीवन, आज है मेरे ब्लॉग का दूसरा दिन और आज है संडे, दोपहर के बज रहे 2:45। हम लोग आज उठने में 11:30 बज गए, पता नहीं टाइम ही नहीं, अगर फोन नहीं आता ना जेस का तो हम लोग अभी भी 12 बजे तक सोते रहते। कल रात को बहुत ज्यादा लेट हो गया था सोने में, तो इस वजह से बहुत ज्यादा लेट हो गया उठने में। तो मैं बना रही हूँ रोटी, ये सारी सब्जी भी कल कुछ सब्जी नहीं था तो मैंने आज सारी सब्जियाँ वगैरह भी ले लिया है। तो पहले मैं इसे अरेंज करके रख देती हूँ, फिर बनाती हूँ मैं रोटी। रोटी के लिए आटा भी गूंथ के रख दिया है, और ये वाला थोड़ा सा साफ करना था तो इसे साफ के लिए मैंने जय सर कबीर देख रहे हो पट्टी। तो चलिए पहले रोटी बना लेते। सो गाइज अभी 4:15 बज रहे और मैं बना रही हूँ चाय, सोई नहीं हूँ क्योंकि आज उठी हूँ 11:30 बजे। सो चाय पीती हूँ अच्छे से बाहर बैठकर आंगन में। चलिए
और कबीर को तो नई साइकिल है, इस वजह से 3:30 बजे से ही वो बाहर, आज इतना धूप नहीं है इसलिए बाहर ही बाहर खेल रहा है उसके फ्रेंड्स के साथ। और मैं सोच रही हूँ कि कोकोबीट और मिट्टी वो दोनों को मिक्स करने का काम है, जो करना है वो फिलहाल अभी कर लेती हूँ, और कुछ काम है नहीं मेरा तो फिलहाल अभी कर लेती हूँ। और ये वाला जो एक प्लांट है ना यहाँ पर, जो एरिका पाम है, उसमें भी मिट्टी कम है। ये तो जब से लगाया है ना तब से इसमें मैंने पानी दिया ही नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से सोइल एकदम सूख ना जाए तब तक नहीं। थोड़ी सी बेडशीट वगैरह थे उसे भी मुझे वॉश करना था, सो वो मैंने किया जैसा आज लंच करने के बाद ही बाहर निकल गए थे। कल गई थी ना तो मैं दूसरी वाली चाय पत्ती लेकर आई हूँ, और ये वाली चाय पत्ती मुझे बहुत पसंद है, एकदम कड़क बनती है। कल बहुत सारी चीजें लेनी थी वो कल लेकर आ गई, सुबह गई थी उसी टाइम पर। और आज जयेश दोपहर को लंच करने के बाद ही निकल गए थे अपने फ्रेंड्स के पास, तो क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से बाहर में जाकर मतलब मन नहीं कर रहा था कि आज संडे को हम कहीं बाहर जाए, तो मैंने बोला कि आज आप जहाँ पर जाना हो तो वहाँ पर आप जाओ, तो वो गए हैं अपने फ्रेंड्स के पास तो अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं यहाँ पर बस चाय पिया और थोड़ा सा जो ऊपर कोकोपीट पड़ा था तो मैंने सोचा उसे मैं थोड़ा सा इस तरह से निकाल के फिर इसमें सोइल मिट्टी मिक्स करके रख देती हूँ। मुझे कंपोस्ट और कुछ था मुझे याद नहीं है वो लेना है, तो उसको भी मिक्स करके रख दूँगी। फिर थोड़ा थोड़ा सा सब भी मतलब कि प्लांट्स में वो थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी मिक्स करती जाऊँगी। तो मुझे देखो ये वाला काम तो मुझे कभी आलस नहीं आता है, जितने भी पौधे लगाने हो जितना भी ये वाला जो भी काम है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे नाखून में भी ये मिट्टी घुस जाता है फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से ये काम करती हूँ बिकॉज मेरा फेवरेट है, कुछ तो फेवरेट होना चाहिए ना, तो ये वाला काम मेरा फेवरेट है। आज मैंने बनाया है सिंपल से दाल चावल जो कबीर खा रहा है अच्छे से। आज 3:30 बजे से खेलने चला गया था तो अभी आकर वो नहाया और अभी कर रहा है वो अपना डिनर। इसका मैंने रील बनाया है जो ये वाली आईडी में मैंने अपलोड किया है, तो ठीक है वो भी देखिए और वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम आईडी में। तो चलिए अभी जैसा दोपहर से ही बाहर है कोई नहीं, मैंने सोचा कि चलो आज एक दिन उसे छुट्टी, तो अभी मेरा ब्लॉग खत्म करती हूँ। फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।